Hello students, I hope all of you will be very fine. Students, today our subject is software engineering for BCA fifth semester. And students, today our the most important topic is COCOMO model. Students, आज हमारा student cost constructed model यानी कि जो हम cost estimation करने के लिए student हमारा ये COCOMO model है इसका student part two है. हालांकि student से पहले कि लेक्चर में हम सुन कोकोमो जो हमारा कोकोमो मॉडल है उसको हम डिस्कस कर चुके थे भाई कोकोमो मॉडल क्या होता है और हम स्टूडेंट्स में क्या क्या चीज़ें हम इसमें हम जो है एस्टिमेट हम करते हैं. ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे कि हमने स्टूडेंट इसमें जो है कॉस्ट एस्टिमेशन टेक्निक की सबसे बेस्ट टेक्निक कोकोमो मॉडल है जिसमें हम सॉफ्टवेयर के साइज को, सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को, हार्डवेयर को, सॉफ्टवेयर टूल्स को और ये सारी चीज़ें जो है हम टाइम एस्टिमेशन, एफर्ट एस्टिमेशन एंड सॉफ्टवेयर साइज ऑफ एस्टिमेशन जिसको हम करते हैं KLOC क्लो लाइन ऑफ कोड में हम करते हैं, तो इसमें हमने जो है इसमें हम एस्टिमेट हम करते हैं. तो जैसे कि इसमें मैंने आपको बताया कि कल स्टूडेंट हमने जो है कोकोमो जो हमारा मॉडल था उसमें हमने स्टूडेंट जो है वो जो हमारे तीन टाइप की जो क्लासेज हैं जिसमें हम कोकोमो को हम इस्तेमाल करते हैं. पहले ऑर्गेनिक मोड में हम उसको जो है हम सॉल्व कराते हैं और मतलब ऑर्गेनिक मोड में हम इसको जो है एस्टिमेट हम इसका एफर्ट अप्लाइड हम निकालते हैं कितना एफर्ट लगेगा, डेवलपमेंट टाइम हम निकालते हैं और पीपल रिक्वायर्ड हम उसमें जो है निकालते हैं, यानी ऑर्गेनिक मोड, एम्बेडेड मोड और सेमी डिटैच्ड मोड. तो ये तीन टाइप के स्टूडेंट मोड थे. तो इसमें अब स्टूडेंट हालांकि ये मोड हमने स्टूडेंट कल हमने डिस्कस कर लिए थे, तो इसमें स्टूडेंट हम एक चीज़ और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम करेंगे डिस्कस कि भाई हम जैसे मान लो कोई भी एक कुछ कॉन्स्टेंट है स्टूडेंट, मतलब कुछ कॉन्स्टेंट वैल्यू को हमने स्टूडेंट डिफाइन किया हुआ है, तो सबसे पहले स्टूडेंट हम समझ लेते हैं कि भाई कोकोमो मॉडल में हम ये जो हमारे तीन टाइप की जो क्लासेस हैं तो इसमें स्टूडेंट जो है हम वो जैसे हमारे जो तीन टाइप की जो क्लासेज हैं और ये ऑर्गेनिक मोड, सेमी डिटैच्ड मोड, एम्बेडेड, तो इसमें स्टूडेंट हम जो है ये अगर हमें इसमें कुछ कॉन्स्टेंट वैल्यू हमें गिवन होती हैं तो ये हमारी स्टूडेंट पहले से फिक्स हैं. ये जो हम जो क्या नाम है हम कोकोमो मॉडल जो हम डेवलप करते हैं एक बेसिक स्टूडेंट कोकोमो मॉडल के लिए ये कुछ कॉन्स्टेंट्स हैं, तो हम पहले स्टूडेंट हम इसको पहले एक बार हम लिख लेते हैं, इसको हम समझ लेते हैं. तो आइए स्टूडेंट्स इसको हम जरा देख लेते हैं. तो इसमें है द बेसिक कोकोमो इक्वेशंस टेक द फॉर्म एफर्ट अप्लाइड एफर्ट अप्लाइड इक्वल टू हमारा स्टूडेंट हो जाएगा एफर्ट अप्लाइड ए ब्रैकेट में KLOC की पावर बी और फिर हमारा होता है डेवलपमेंट टाइम स्टूडेंट्स इसका हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा एफर्ट की पावर डी और पर्सन रिक्वायर्ड वे कितने लोग चाहिए काम करने के लिए पर्सन रिक्वायर्ड इज इक्वल टू एफर्ट अपॉन टाइम. अब देखिए स्टूडेंट ये जो हमारे ये जो तीन हमारे जो फॉर्मूलेज हैं ये एफर्ट अप्लाइड डेवलपमेंट टाइम पर्सन रिक्वायर्ड, तो इसमें स्टूडेंट ए इंटू KLOC की पावर बी, सी एफर्ट पावर डी और एफर्ट टाइम. तो उसमें देखिए इसमें हमने ए यूज किया है, बी यूज किया है, सी यूज किया है, डी यूज, ये स्टूडेंट आकर है क्या. ठीक है स्टूडेंट, तो पहले हम इसको जरा हम इसको एक टेबल के द्वारा हम समझ लेते हैं. जैसे स्टूडेंट हमारे सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की हमारे तीन क्लासेस थी, तो उसको जरा समझने की कोशिश कीजिए. सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट इसमें स्टूडेंट थोड़ा मैं नीचे लिख देता हूँ. सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट ये हमारा ए बी सी और डी, यह हमारा हो गया ऑर्गेनिक, सेमी
detached embedded ठीक है तो ये हमारा होगा 2.4 3.0 3.6 1.05 1.12 1.20 2.5 2.5 2.5 0.38 0.35 0.32 तो ये स्टूडेंट कुछ वैल्यूज हैं जो हमारे ये तीन टाइप के जो हमारे सॉफ्टवेयर जो हमारे क्लासेस हैं जो स्टूडेंट कल हमने डिस्कस किए ये तो सारी वो वैल्यूज हैं ठीक है मतलब ऑर्गेनिक के लिए स्टूडेंट हमारी ये वैल्यूज हो गई है ना और सेमी डिटैच के लिए हमारी ये स्टूडेंट वैल्यूज हो गई तो ये देखिए स्टूडेंट ठीक है स्टूडेंट तो देखिए इसमें समझने वाली बात ये है कि देखिए स्टूडेंट इसमें सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट में ऑर्गेनिक के लिए ए की वैल्यू 2.4 हो गई बी की 1.05 सी की 2.5 डी की 0.38 सेमी डिटैच के लिए 3.0 ए की वैल्यू 3.0 1.12 2.5 0.35 हो गई डी की वैल्यू और एम्बेडेड के लिए 3.6 1.20 2.5 एंड ए इस तरीके से स्टूडेंट ये हमारी वैल्यूज हो गई ठीक है ये ठीक है स्टूडेंट तो ये हमारा सर बेसिक कोकोमो इक्वेशन हो गई कि भाई हम अगर इसको 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 स्टूडेंट हम एक क्वेश्चन के द्वारा हम जरा समझने की कोशिश करेंगे एक बार स्टूडेंट चेक कर लेता हूँ पूरा शो हो रहा है कि नहीं हाँ स्टूडेंट शो हो रहा है ठीक है अब देखो स्टूडेंट हम इसको एक क्वेश्चन के द्वारा हम जरा समझने की कोशिश करते हैं जैसे कि मान लो एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन दे रखा है कि एक प्रोजेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन में लिख देता हूँ कि एक प्रोजेक्ट A project was estimated. A project was estimated to be 400 KLOC. Calculate the effort and development time for each of the three modes organic सेमी डिटैच्ड एंड एम्बेडेड ठीक है तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन आपको गिवन है कि एक प्रोजेक्ट वाज एस्टिमेटेड टू बी 400 केएलओसी कैलकुलेट द एफर्ट एंड डेवलपमेंट टाइम फॉर ईच ऑफ द थ्री मोड्स ऑर्गेनिक सेमी डिटैच एंड एम्बेडेड जैसे कि स्टूडेंट इधर ये दे रखा है ऑर्गेनिक सेमी डिटैच एंड एम्बेडेड तो स्टूडेंट इसमें जो हमारा दे रखा है वो एक प्रोजेक्ट बाद एस्टिमेटेड 400 केएलओसी यानी किलो लाइन ऑफ कोड तो स्टूडेंट इसमें देखिए हमें क्या निकालना है अब जैसे स्टूडेंट यहां पे देखिए अब वो केवल क्या पूछ रहा है वो केवल इसमें पूछ रहा है एफर्ट पूछ रहा है और डेवलपमेंट टाइम पूछ रहा है तो एफर्ट ये हो गया डेवलपमेंट दो चीज पूछ रहा है तीसरी चीज नहीं पूछ रहा है पर्सन रिक्वायर्ड नहीं पूछ रहा है वो पूछ रहा है एफर्ट अप्लाइड क्या होंगे यानी कि जब आपका ऑर्गेनिक मोड होगा तब उसमें एफर्ट अप्लाइड क्या होगा डेवलपमेंट टाइम क्या होगा और जब वो जो है जब वो सेमी डिटैच्ड होगा तो उसके लिए एफर्ट अप्लाइड क्या होगा डेवलपमेंट टाइम क्या होगा और जब एम्बेडेड होगा तो उसके लिए एफर्ट अप्लाइड क्या होगा डेवलपमेंट टाइम क्या होगा ठीक है तो स्टूडेंट तो हम स्टूडेंट सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑर्गेनिक के लिए तो स्टूडेंट जो हमें जो तो स्टूडेंट फॉर्मूला तो स्टूडेंट यही हो गया क्योंकि एफर्ट हम क्योंकि क्या कह रहा है ये कह रहा है कि एफर्ट एंड डेवलपमेंट टाइम ये हमारा टाइम हो गया तो एफर्ट तो फॉर्मूला तो स्टूडेंट ये दोनों ही अप्लाई करेंगे तो फॉर्मूला स्टूडेंट मैं यहां नहीं लिखूंगा फॉर्मूला स्टूडेंट आप ये दोनों यहां पे आप लिख लेंगे
ठीक है, तो मैं पहला तो एफर्ट साइज ऑफ एफर्ट एस्टिमेट साइज ऑफ प्रोजेक्ट, यहां से स्टूडेंट सॉल्यूशन दे रहा हूं आपको, तो यहां पे हम लिख देंगे एस्टिमेट एस्टिमेट साइज ऑफ प्रोजेक्ट। एस्टिमेट साइज ऑफ प्रोजेक्ट कितना है, तो ये हमारा 400 KLOC। एस्टिमेट साइज ऑफ प्रोजेक्ट कितना है 400 KLOC, यहां से स्टूडेंट सॉल्यूशन है, मैं लिखा सॉल्यूशन, एस्टिमेट साइज ऑफ प्रोजेक्ट 400 KLOC है हमारा, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मोड में हम निकालेंगे, ऑर्गेनिक मोड में, ऑर्गेनिक मोड में हम स्टूडेंट निकालेंगे ई यानी एफर्ट। अब यहां पे देखो एफर्ट का फॉर्मूला क्या है, ए के एल ओ सी की पावर बी। ऑर्गेनिक मोड में ए की वैल्यू क्या है 2.4 है, तो यहां पे स्टूडेंट क्या आ जाएगा, यहां आ जाएगा 2.4। फॉर्मूला है ना ए के एल ओ सी पावर बी ऑर्गेनिक मोड में, तो ऑर्गेनिक मोड में क्या है वैल्यू 2.4 है, तो ए की 2.4 आ जाएगा। ओके एल ओ सी कितना दे रखा है, वो दे रखा है 400, तो यहां स्टूडेंट हमारा आ जाएगा 400, तो 400 पे पावर आ जाएगी 1.05। इसको स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करने पे हमारा आ जाएगा 1295.31 पर मंथ, ठीक है। अब डेवलपमेंट टाइम हम निकाल लेंगे डी इसको, तो ये हमारे का ये हमारा होता है सी एफर्ट की पावर डी। सी एफर्ट के पास तो सी कितना है ऑर्गेनिक के लिए, ऑर्गेनिक के लिए सी है 2.5, तो ये 2.5 हो जाएगा 2.5। और एफर्ट एफर्ट अभी हमने निकाला वो कितना है 1295.31 पे पावर 0.38, क्योंकि इसकी पावर क्या होती है, इसकी पावर होती है डी, और ऑर्गेनिक डी की वैल्यू क्या है 0.38 है। इसको स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पे हमारा आ जाएगा 38.07 मंथ, ठीक है स्टूडेंट। तो हमने स्टूडेंट अभी हमने केवल ऑर्गेनिक के लिए हमने इस लेक्चर में सॉल्व किया, एक बार स्टूडेंट देख लेता हूँ ये शो हो रहा है कि नहीं आपको। हाँ स्टूडेंट शो हो रहा है आपको, ठीक है। तो स्टूडेंट इस लेक्चर में मैंने स्टूडेंट केवल अभी ऑर्गेनिक मोड के लिए इसको अभी सॉल्व किया है, बाकी के स्टूडेंट मोड आप खुद स्टूडेंट निकालने की आप कोशिश कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताइए, क्योंकि देखिए स्टूडेंट आपके पास फॉर्मूला है, ठीक है। अब जैसे कि मुझे स्टूडेंट जो है वो निकालना है ऑर्गेनिक मोड में हो गया, अब मुझे निकालना है सेमी डिटैच्ड में, तो सेमी डिटैच्ड में मेरा फॉर्मूला यही रहेगा, ये दोनों फॉर्मूला रहेगा, बस केवल क्या होगा ए बी सी डी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, यानी कि अगर सेमी डिटैच्ड होगा तो ई बराबर कितना हो जाएगा, यानी ई बराबर हो जाएगा 3.0 और 400 की पावर 1.12, तो हमारा स्टूडेंट ये हमारा आ जाएगा ई हमारा आ जाएगा 2246.79 पर मंथ, किसमें सेमी डिटैच्ड में। एफर्ट डेवलपमेंट टाइम आ जाएगा 2.5 करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे 2462.79 की पावर 0.35 से, तो ये हमारा है 38.45। आप स्टूडेंट सॉल्व कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बाकी के मुझे जो है सेमी डिटैच्ड और एम्बेडेड इसको आप सॉल्व करके मुझे आप बताइए, जैसे मैंने ऑर्गेनिक मोड को सॉल्व किया वैसे ही आप जो है स्टूडेंट सेमी डिटैच्ड और एम्बेडेड का एफर्ट अप्लाइड और डेवलपमेंट टाइम मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए, अगर आप नहीं कर पाते तो फिर मैं उसको करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप लेक्चर को अच्छे से देखें समझें और फिर देख के इसके नोट्स बनाएं। तो हमने स्टूडेंट कोकोमो मॉडल में अभी हमने पढ़ा, और भी स्टूडेंट कोकोमो मॉडल से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीजें तो वो हम स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ये सॉल्यूशन स्टूडेंट आप निकालिए, इसके बाद स्टूडेंट में एक क्वेश्चन आपको और भी कराऊंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहला इसका ये स्टूडेंट सॉल्यूशन पूरा नहीं हुआ है, ऑर्गेनिक मोड केवल अभी हमने ये एफर्ट और डेवलपमेंट टाइम निकालना है, आपको जो है किसके लिए निकालना है और सेमी डिटैच्ड और एम्बेडेड के लिए भी आपको निकालना है, तो कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए सेमी डिटैच्ड और एम्बेडेड जब होगा प्रोजेक्ट हमारा तब उसका एफर्ट और डेवलपमेंट टाइम क्या होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आप उसको पढ़िए समझिए फिर देख के इसके नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।